हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक हम डील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। हमने कई वीडियोस में बात किया कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टफ है, क्योंकि बहुत ही इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो कई बार जो है जुडिशियरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर चेक्स और बैलेंसेस का काम करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट्स को निकालना बहुत ही मुश्किल है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो प्रोसीजर है क्या, उन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो ये जानते हैं कि रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किस तरीके से होता है। How is it done? The Constitution of India also provides for a set of regulations for removal of Supreme Court judge, that is under Article 124, sub clause 4. तो ये आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट एक स्पेसिफिक प्रोसीजर देती है, सेट ऑफ रेगुलेशंस देती है कि जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं। A judge of High Court can also be removed in the same manner and on the same grounds as a judge of Supreme Court. तो हाई कोर्ट के जज को निकालने के लिए भी वही प्रोसीजर है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The Judges Inquiry Act 1968 regulates the procedure relating to the removal of a judge of Supreme Court by process of impeachment. हमें यहाँ पर प्रोसेस तो दिया गया है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूड मिसबिहेवियर वगैरह जितने भी चार्जेस जो लगाए जाते हैं, वो एक सेट ऑफ रेगुलेशंस हमें दिया गया कि आप जो है थ्रू पार्लियामेंट ही जो है वो आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जो आया हुआ था ये स्पेसिफिकली डील कर रहा था कि किस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाईकोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए, इम्पीच करने के लिए जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो हमें जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। A removal motion signed by 100 members in case of Lok Sabha or 50 members in case of Rajya Sabha is to be given to the speaker or chairman. जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर हाई कोर्ट के जज हो, उन्हें निकालने के पावर सिर्फ पार्लियामेंट को ही दिए गए हैं। तो इस तरीके का रिमूवल मोशन मूव करने के लिए भी अगर लोकसभा में मूव करना चाहिए तो 100 मेंबर्स का, यानी कि 100 MPs को चाहिए कि आपके उस रिमूवल मोशन को वो साइन करें, सपोर्ट करें। और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो मिनिमम 50% मेंबर्स का साइन करना बहुत ज़रूरी है, और तभी जो है आप स्पीकर या फिर जो चेयरमैन होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उन्हें जाकर अपना ये मोशन, रिमूवल का मोशन जो है दे सकते हैं। द स्पीकर और चेयरमैन मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। तो फाइनल अथॉरिटी प्रेसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में दी गई है कि वो चाहे तो ये मोशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो रिफ्यूज कर सकते हैं। इफ इट इज एडमिटेड, अगर एडमिट किया गया, देन द स्पीकर और चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। तो अगर एडमिट किया गया कि रिमूवल मोशन जो है वो एडमिट किया जा रहा है लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो स्पीकर या फिर चेयरमैन को चाहिए कि वो एक 3-member की कमेटी बनाए ताकि चार्जेस को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने या फिर हाईकोर्ट के जज ने कोई गलती की हुई है, जो कोई भी इल्जाम उन पर लगाया गया है वो सही है या नहीं। तो ये कमेटी के मेंबर्स को है। द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ ही रिमूवल मोशन है तो कोई एक सेपरेट जज सुप्रीम कोर्ट के, कोई भी सीनियर मोस्ट जज हो सकते हैं, या फिर किसी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ है तो वहां पर चीफ जस्टिस उसके मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड है, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज को इम्पीच करना चाहते हैं तो किसी भी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जरूरत है। एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कोई भी जो लॉ या फिर जुडिशियरी से रिलेटेड कोई भी जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सन हो, सीनियर मोस्ट कोई भी एडवोकेट हो सकते हैं या फिर अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं, तो इस तरीके से कोई भी जो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो वो इस कमेटी का मेंबर है। यानी कि 3-member कमेटी बनाई जाती है और वो इन्वेस्टिगेट करती है कि चार्जेस सही है या नहीं। If the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, the house can take up the consideration of the motion. अगर inquiry करने के बाद, इस 3-member की committee ने inquire करने के बाद ये माना कि हाँ misbehavior उन्होंने किया हुआ है, they are guilty of misbehaving or suffering from an incapacity, he is no more competent to be a judge, तो वो जो है inquiry pass करते हैं और तभी house जो है consider करता है उस motion को। After the motion is passed by each house of the parliament by special majority, an address is presented to the president for the removal of the judge. हमें constitution में बस इतना कहा गया कि 2/3 majority, यानी कि special majority जब हम कहते हैं 50% of the total membership of the house and 2/3 members present and voting, तो अगर इतने member या फिर इतना जो चाहिए minimum basic member अगर ये vote करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना गया कि स्पेशल मेजॉरिटी है, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 डिटेल में कहता है, जैसा कि अभी हमने कहा कि 100 members लोकसभा में साइन करना चाहिए जिस रिमूवल मोशन को जो है वो फर्दर रखने के लिए, राज्यसभा में 50 members, तो ये डिटेल प्रोसेस हमें उस एक्ट में दिया गया है। तो दोनों हाउसेस में चाहिए कि ये रिमूवल मोशन जो है या फिर रिमूवल रेजोल्यूशन जो है वो 2/3 majority के साथ, 50% टोटल मेंबरशिप के साथ, जिसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, पास हो, और तभी जो है रिमूवल ऑफ जज इस रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन को पास करके प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा ताकि उस सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाए। फाइनली द प्रेसिडेंट पासेस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज, तो तभी जो है प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं जज को रिमूव करने के लिए, चाहे वो हाईकोर्ट के जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाईकोर्ट। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एवर इम्पीच्ड सो फार, अब तक जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच नहीं किया गया। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी, हाउ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट आर रिमूव्ड और इम्पीच्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।